हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस शो। बात हो रही है फ्रेंच डिफेंस अगेंस्ट वाइट टू प्ले। तो हम वाइट से फ्रेंच डिफेंस के सामने कैसे गेम खेली जाती है उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फ्रेंच डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन है, बहुत सारे प्लेयर खेलते हैं। वाइट से हमें कई गेम में प्रॉब्लम होता है। आप कंफ्यूज होते हो कि हम एडवांस वेरिएशन खेले या टारास वेरिएशन खेले या एक्सचेंज वेरिएशन। चलिए, यहाँ पे हमने सीरीज जो की है वो विनावर के बारे में, फ्रेंच डिफेंस विनावर वेरिएशन। विनावर वेरिएशन e4 e6 d4 d5 एंड Nc3। अब यहाँ से हमने बहुत सारे वेरिएशन देख लिए आगे के वीडियो में, मेरे पहले 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे बिशप b4, आज नया वेरिएशन दिखाऊंगा आपको। हमें यहाँ खेलना है e5, ब्लैक रिप्लाई देता है c5, यहाँ हम खेलते a3 और यहाँ पे बिशप टेक c3, b टेक c3 और एक वेरिएशन जो है वो है क्वीन a5। आइडिया बिहाइंड दिस मूव, क्वीन टेक्स पॉन। और सिर्फ ये आइडिया नहीं है, ब्लैक का आइडिया है क्वीन a4 और यहाँ पे प्रेशर मेंटेन करना। बिशप d2 इसके रिप्लाई में हमें खेलना है और ब्लैक रिप्लाई देगा क्वीन a4 और यहाँ मैं आपको बेस्ट चॉइस देता हूँ क्वीन g4 अटैक ऑन g7। अब यहां से दोस्तों g6 और किंग f8 दो मूव, दोनों ही मूव में आपको क्या करना है। अगर ब्लैक रिप्लाई देता है किंग f8 तो यहां पे क्वीन d1 वापस आ जाना है, आपका टारगेट खत्म हो गया, किंग को डिस्टर्ब कर दिया और कैसल होने से रोक लिया। क्वीन d1 के बाद ब्लैक रिप्लाई देगा Nc6, यहाँ आपको सिंपल Nf3 डेवलप करना है। ब्लैक रिप्लाई देगा b6 क्योंकि डार्क स्क्वायर बिशप इसी जगह से डेवलप हो सकता है। यहाँ आपको d टेक c5 एक्सचेंज करना है, b टेक c5 और उसके बाद c4। पॉन डबल होते हैं, पॉन टेक्स पॉन, और यहाँ पे व्हाइट की पोजीशन काफी हद तक बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है। दूसरा वेरिएशन इसी गेम में क्वीन d4 के बाद अगर ब्लैक g6 खेलता है तब भी आपको क्वीन d1 लाना है। ब्लैक रिप्लाई देगा c टेक d4 और यहाँ पे मैं आपको एक सरप्राइज मूव दिखूंगा Rook2b1। पॉन सेक्रीफाइस, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, क्वीन टेक्स पॉन, पॉन टेक्स पॉन और ये पोजीशन आप देख सकते हो कि ग्राफ में वाइट की स्लाइट एडवांटेज है। किंग देखो, नेक्स्ट थ्रेट में बिशप b4 भी आ सकता है, bd3, Nf3, बहुत सारे चॉइस ऑफ प्योर्स। चलिए पार्ट 4 नया दिखाता हूं मैं आज। जो ज्यादातर खेले जाते हैं 97 वेरिएशन, e4 e6 d4 d5 Nc3 बिशप b4, यहां पे आपको खेलना है e5 c5 और a3, बिशप टेक c3 एंड b टेक c3। यहाँ पे ब्लैक Nc7 रिप्लाई देता है तो आपको खेलना है qg4। ब्लैक रिप्लाई देगा क्वीन c7 और यहाँ पे आपको क्वीन टेक्स g7। ब्लैक अलाउ करता है आपको पॉन लेने के लिए Rook g8 क्योंकि ब्लैक को यहाँ पे अटैक मेंटेन होता है Qh7। अब देखो यहाँ पे अगर गेम एंड गेम में आती है तो दो दो पॉन आपके प्रमोट हो रहे हैं, कनेक्टेड पॉन और एच फाइल टोटली ओपन है।
जी फाइल में कोई ब्लैक का पॉन नहीं है, तो एंड गेम में काफी हद तक व्हाइट के फेवर में हो जाएगी गेम। इससे पहले आपको ध्यान रखना है सी टेक्स डी फोर, यहां पॉन टेक्स पॉन, ये होगा ब्लंडर। देख अगर पॉन टेक्स पॉन किया तो ग्राफ टोटली नीचे, क्योंकि यहां पे ब्लैक विन हो रहा है क्वीन सी थ्री चेक, डबल अटैक और ब्लैक रुक प्लस। यहां आपको अलर्ट रहना है, देखो क्वीन जब सी सेवन रहती है तो फ्रेंच डिफेंस में मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि सी थ्री पे क्वीन का टारगेट रहता है, जहां पे आपको नाइट ई टू से ब्लॉक करना है, उसके बाद डी सी थ्री और उसके बाद एफ फोर, डी टेक सी थ्री और यहां पे सेंटर पॉन बचाने के लिए आपको एफ फोर कर देना है, आपको सी थ्री वाला पॉन क्वीन डी थ्री से वापस मिल जाएगा। देखो यहां पे एक और भी मैं बताना चाहूंगा, नाइट ई टू के बाद अगर ब्लैक ने ये पॉन ले लिया तो यहां आप कॉन्टेक्स पॉन करके क्वीन पे अटैक करके गेम कंटिन्यू कर सकते हो और ये भी पोजीशन व्हाइट की फेवर में रहेगी। तो मेन चॉइस नाइट ई टू के बाद डी सी थ्री एफ फोर, यहां से आगे गेम कैसे कंटिन्यू होती है, नाइट डी सेवन और बी डी सेवन दो मेन चॉइस होती है, बिशप डी सेवन और नाइट डी सेवन। चलिए नाइट डी सेवन पहले देखते हैं, आफ्टर नाइट डी सेवन आपको क्वीन को यहां पे वापस लाना है क्यू डी थ्री, ब्लैक रिप्लाई देगा नाइट सी फाइव और यहां पे आपको क्वीन टेक्स सी थ्री, ब्लैक बिशप डी सेवन और बिशप ई थ्री, ये परफेक्ट ओपनिंग होगी। थ्रेट के साथ बिशप टेक्स नाइट की थ्रेट है, बी सिक्स में भी बहुत ही बैड मूव हो जाएगी। ओके नाइट डी सेवन से पहले ब्लैक अगर बिशप डी सेवन करता है तो बी डी सेवन में भी आपको क्वीन रिटर्न लेना है, क्योंकि डी थ्री पे लाने के बाद सी थ्री पे प्रेशर रहेगा, ब्लैक रिप्लाई देगा नाइट एफ फाइव और यहां पे मैं आपको सजेशन करूंगा रुक टू जी वन, ब्लैक रिप्लाई देगा क्वीन बी सिक्स, यहां रुक के ऊपर थ्रेट है लेकिन नाइट प्रोटेक्टेड है, यहां मैं आपको सजेशन दूंगा जी फोर, नाइट सी सिक्स ये ब्लैक का ट्राई रहेगा, ये एक हिडन मूव है, पॉन टेक्स नाइट पॉसिबल नहीं है, रुक इंटू जी वन डायरेक्टली आपका पीस वापस जा रहा है। तो नाइट सी सिक्स के बाद एक वेटिंग मूव आपको करना है रुक टू जी टू, अब एन एफ डी फोर और यहां पे नाइट टेक्स सी थ्री, इस पोजीशन के बाद काफी हद तक गेम व्हाइट की फेवर में है, वन पॉइंट जैसा प्लस है। तो दोस्तों ये थी आज की फ्रेंच डिफेंस पार्ट फाइव, अगला वीडियो मेरा लास्ट वीडियो होगा अगेंस्ट फ्रेंच डिफेंस के बारे में और वो होगा वीडियो नंबर सिक्स। तो ये सारे छह वीडियो आप देख लीजिए, पूरी फ्रेंच डिफेंस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। जल्द ही मिलेंगे, जय हिंद जय गुजरात।